अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं अंडा करी, लेकिन देखने में तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये पनीर है, मगर ये अंडे से बनी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं और हम इस तरह से अंडों को फोड़ेंगे बर्तन में। और इसमें मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और इसे अच्छे से फेंटेंगे जिस तरह से हम ऑमलेट बनाते हैं। इस तरह से फेंटिए आप इसे। अब मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, और इस तेल को हम अच्छे से इस बर्तन पर लगाएंगे जिससे कि हमारा अंडा चिपके ना। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए, मैं इस तरीके से इस बर्तन को रखना है, और संभल कर रखिएगा क्योंकि जो है हाथ ना जल जाए कहीं। और इस तरह से इसको कवर कर देंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हम चेक करते हैं, हमारा अंडा पूरी तरीके से पक चुका है। देखिए इस तरीके से, देखिए आप। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और चाकू की मदद से देखिए इस तरीके से हमें इसे छुटा देना है। ऐसे करके बहुत आसानी से निकल जाएगा, और दूसरी प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे इसको। अब चाकू की मदद से देखिए इस तरीके से पनीर की शेप में बना लेंगे हम। देखिए, लग रहा है ना पनीर जैसा बिल्कुल। हमारे ये अंडे के पीसेस एकदम तैयार हैं। दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अब मैंने इसमें कढ़ाई में तेल लिया है, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और 4 काली मिर्च डालूंगी इसमें। इसको अच्छे से भूनेंगे। एक चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसे अच्छे से भूनेंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसे प्याज का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। मसालों का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अच्छे से भूनिए आप इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि हमारा मसाला नीचे लगे ना। चलाइए अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उन्हें मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। देखिए, हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। मसाले में देखिए साइड से तेल भी आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हमने अंडे में भी नमक डाला हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस ग्रेवी में जो अंडे के हमने स्लाइस काट के रखे थे, इन्हें ऐड करेंगे। अब इसे हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि मसाला हमारे अच्छे से सारे पीसों पर लग जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम के करीब पानी। आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना रखिए। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए 0 फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमारे पानी है ये अच्छे से पक जाए इसमें। अब 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं।
बिल्कुल पनीर की तरह कोई पहचान नहीं पाएगा। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए, बनकर तैयार है हमारा पनीर जो कि अंडे से बना हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यह अलहदा सी रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बनाइए, खाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।